हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण अमन में गुरु जी भी आ जाए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Yeah.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna,
हरे कृष्णा। तो अभी भगवान का की सेवा बने और आखिरी में सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद ग्रहण करके जाए। अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तत्तकाञ्चनगौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरीं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। समुद्र के लहरें कोई गिन सकते हैं? कितने लहरें होते हैं? नहीं। उसी प्रकार से भगवान के अवतार भी असंख्य हैं, लेकिन उन अवतारों में से कुछ विशेष अवतार हैं जिनका वर्णन भागवत में किया गया है। लगभग 21 अवतारों का वर्णन किया गया है और इन अवतारों में से कृष्ण, असल में कहीं लोगों का गलत फहमी है कि कृष्ण एक अवतार है, लेकिन भागवत के अनुसार कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण है अवतारी। अवतारी और अवतार में क्या अंतर है? प्रकट हुआ है, और अवतारी वो होते हैं जहां से प्रकट हुआ है। अवतारी यानी अवतारों का मूल। कृष्ण अवतार नहीं है बल्कि अवतारी। पर इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत।
श्रीमद् भागवत के अनुसार एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। भगवत गीता के जितने अवतार हैं सब अंश हैं, कलाएं हैं, लेकिन उनके मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर भगवान अवतारी हैं तो फिर उनका जन्म की लीला कैसे है? इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। भगवान का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। तो इसकी कथा इस प्रकार से शुरू होती है, जैसे कथा के दौरान हम और इस तत्व को अच्छा से समझने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले द्वापर युग में, द्वापर युग के शेष भाग में पृथ्वी के ऊपर बहुत बहुत सारे अत्याचारी और दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के राजाएं क्षत्रिय, उनकी संख्या बढ़ गई है। और दिखने में तो क्षत्रिय थे, राजाएं थे, पर उनकी प्रवृत्ति तो असुरों की थी, राक्षस प्रवृत्ति। और इस प्रकार के कहीं राजाओं का भार के कारण पृथ्वी माता बहुत व्याकुल थी, और पृथ्वी माता इस भार को और सहन नहीं कर पाई। उन राजाओं में विशेष करके कंस और जरासंध मुख्य थे। कंस और जरासंध इत्यादि अन्य कई सारे असुर हैं, उनके भार के से पीड़ित होकर पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास, और अपनी पीड़ा अपने कष्ट को उनको सुनाती हैं। और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को साथ में लेते हुए चलते हैं, जाते हैं क्षीर समुद्र के पास, क्षीर सागर जहाँ भगवान विष्णु का वास है। तो वहां पर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को साथ में लेते हुए पृथ्वी माता को भी साथ में लेकर वहां पर क्षीर सागर के तट पर भगवान के ऊपर ध्यान करने बैठ जाते हैं। और जैसे भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं तो भगवान उनके ध्यान में प्रकट होकर उनको शिक्षा देते हैं, उनको उपदेश देते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हमें पहले से अवगत है, हम पहले से अवगत हैं तो हम पहले से जानते हैं पृथ्वी माता की क्या समस्या है, तो इसलिए हम यदु कुल में वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं पृथ्वी के ऊपर। और साथ में सभी देवताओं को आदेश देते हैं कि आप भी भगवान की लीलाओं में उनकी सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आप भी यदु और भोज वंश में आप सब प्रकट होइए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ये जो भगवान का आदेश है सभी देवताओं को बताते हैं, और इस प्रकार से सभी देवताएं यदुकुल में, वृष्णि वंश में और भोज वंश में जन्म लेते हैं सभी देवताएं। और भगवान के अवतार लेने का उसके लिए लोग इंतजार करते हैं। तो इस बीच में कंस नामक एक राजा था, असल में उनके पिता सूरसेन महाराज भोज वंश के राजा थे। भोज वंश के राजा सूरसेन के पुत्र के रूप में कंस, असल में कंस का असली पिता तो एक असुर था, तो असुर के पुत्र थे, लेकिन सूर यदु वंशियों का जो गढ़ मथुरा को कंस ने आक्रमण कर लिया, उसके कारण कंस के दर से सारे यदुवंशी अलग अलग देशों में चले गए। और नहीं पता कि तुम जिस बहन को प्यार से विदा कर रहे हो उन्हीं का आठवां गर्भ आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो जैसे ही अशरीर वाणी का आवाज सुने, कंस जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो एक पल में नहीं सोचते हैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी खत्म करने के लिए,
जैसे उन्होंने सुना कि आपकी बहन देवकी का अष्टम गर्भ आपके मृत्यु का कारण होगा, तुरंत बिना सोचे अपने बाएं हाथ से देवकी का बाल उनके केश पकड़कर अपने दाहिने हाथ से तलवार उठाया, उनका सर काटने के लिए, और तैयार हो गए थे उनको मारने वाला था, और वसुदेव जी को तुरंत उस वक्त कुछ करना था इमरजेंसी, तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो, हाँ आपकी बहन को मारने जाओगे तो तुम्हारा कितना बदनाम होगा, हाँ छोड़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने देवकी को उस वक्त छोड़ दिया, पर उन दोनों को कारावास में डलवा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही आपका पुत्र होगा हमें सौंप देना। तो वसुदेव कितना सत्यवादी थे, देखिए कोई भी माता पिता को अपने पुत्र को जाकर शत्रु के हाथ में देना कितना कष्टदायक है, कोई वचन देकर के इसको नहीं निभा सकता। हमारे चरित्र में बहुत सारे सत्यवादी राजा थे, जिनमें से राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सब सुने होंगे, हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी थे, लेकिन वसुदेव तो हरिश्चंद्र से भी ज्यादा सत्यवादी थे। कैसे? असल में हरिश्चंद्र महाराज जो सत्यवादी बने उसके पीछे एक और कहानी है। हरिश्चंद्र महाराज शुरुआत में उनको संतान नहीं था, तो उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना किया कि हमें संतान दीजिए, पर वरुण देव ने कहा कि ठीक है आपको संतान तो होगा लेकिन एक शर्त पे, क्या है वो, और जब भी हम आएंगे और वापस मांगेंगे आपके संतान को तो हमारे पास उसको वापस देना होगा। तो हरिश्चंद्र महाराज ने कहा चलो कम से कम पुत्र तो होगा, उनको देना पड़े तो दे देंगे, तो उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है आप जब भी आएंगे तो हम आपको सौंप देंगे। तो फिर वरुण देव के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र महाराज का पुत्र हुआ, जिनका नाम ने रोहित रखा था, ये रोहिताक्ष। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ कुछ समय के बाद वरुण देव वापस आते हैं और बोलते हैं आपके पुत्र को हमें वापस दे दो वचन के बराबर। तो हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं मैं ये जो बच्चा है अभी तक उनका दांत ही नहीं आए, तो थोड़ी समय रुक जाइए उनका दांत निकल जाए उसके बाद आप ले जाइए। फिर वरुण देव चले जाते हैं, कुछ समय के बाद दोबारा वापस आते हैं, बोलते हैं कि अब दे दो हमें वापस। तो बोलते हैं अभी तो छोटा बच्चा है, बोलना भी नहीं सीखा, कुछ बोल ही नहीं सकता, कम से कम बोलना तो सीखे उसके बाद हम आपको देंगे। तो वरुण देव बोले ठीक है, फिर चले गए। कुछ समय के बाद फिर दोबारा आए, फिर बोले नहीं उनका संस्कार नहीं हुआ, जैन संस्कार नहीं हुआ। कुछ समय के बाद आए, फिर वो कराए, इस तरह से टालते टालते फिर एक बार वरुण देव ने कहा नहीं अब और नहीं रुक सकता, अगली बार आऊंगा तो मैं लेके ही जाऊंगा साथ में। तो हरिश्चंद्र महाराज ने सोचा आप क्या करें, तो किसी ने सलाह दिया कि आपके पुत्र की जगह किसी और व्यक्ति को आप सौंप सकते हैं वरुण देव को, पर कौन से बच्चा कौन से माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को ऐसे देना चाहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि कोई बहुत गरीब परिवार का कोई होगा, हो सकता है उनके बहुत संतान हो उनमें से एक बच्चा अगर दे दें। तो ऐसे एक ब्राह्मण से उन्होंने पूछा जिनके तीन बच्चे थे, उस ब्राह्मण ने कहा ठीक है हमारा जो बीच का बच्चा है, बड़ा बेटा तो पिता को प्यारा था, छोटा बेटा माता को ज्यादा प्यारा था, तो उन्होंने कहा बीच वाला जो बेटा है उनको हम ले जाओ। तो उनका नाम था सुनशेख नाम का एक पुत्र था, उनको दे दिए हरिश्चंद्र महाराज को। और हरिश्चंद्र महाराज ने जब अगली बार वरुण देव आए तो उनको समर्पित करने के लिए, उनको बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, और वो जो बच्चा था सुनशेख वो तो रोने लगा, बोले देखो हाय हाय मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, अब मेरे माता पिता ही मेरे नहीं रहे, अब मुझे कौन बचाएगा, ऐसा रोने लगा। और वो यज्ञ करने वाले जो ऋत्विज थे कौन, विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने उनके ऊपर दया किया
और बोले ये बच्चा रो रहा है, इनको मत ले जाओ। वरुण जी ने कहा, वरुण जी को कहा, तो वरुण जी बहुत क्रोधित हुए और बोले देखो तुम अपने बेटे को बचाने के लिए किसी और को सैक्रिफाइस यानी बलि करने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो भी नहीं जाना चाहता है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप तो झूठे निकले, हरिश्चंद्र महाराज को कहा। और वरुण जी चले गए और ये सुनकर हरिश्चंद्र महाराज को लगा कि देखो मैंने कितना गलत किया, अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने पुत्र को बचाने के लिए हम किसी और को वध करने के लिए तैयार हो गया, देखो कितना बड़ा पाप किया हमने। तो उसके बाद हरिश्चंद्र महाराज ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और इसकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र आगे उनकी परीक्षा लेते हैं, वो सब कथा हम सबको पता है। पर यहाँ ये कहने का तात्पर्य मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि हरिश्चंद्र महाराज जो अपने बेटे को वरुण देव को देने के लिए संकोच किए, लेकिन वसुदेव कितने सत्यवादी थे कि अपने पुत्र को ही ले जाकर कंस को सौंप दिए। तो देवकी और वसुदेव को इस प्रकार से 6 पुत्र हुए, और सबसे पहला पुत्र का नाम था कीर्तिमान, और इस बेटे को जैसे अपने वचन के मुताबिक कंस को जैसे सौंप दिए, तो कंस ने, कंस का दिल पिघल गया, बोले देखो हमें इस बच्चे से तो खतरा नहीं है, हमें आपके 8वें पुत्र से खतरा है, तो आपके 8वें पुत्र को ले आओ, इनको ले जाओ वापस। ग्वालों के राजा नंद और नंद और उनकी पत्नी यशोदा के पुत्री के रूप में आप जन्म लीजिए, योग माया को आदेश दे रहे हैं। और एक और आदेश देते हैं कि मेरा भाई बलराम, मेरा अंश विस्तार अनंत शेष, वो भी जन्म लेने वाले हैं देवकी के 7वें गर्भ में। और ये जो देवकी के 7वें गर्भ में हैं, उनको आप जो वसुदेव जी के एक और पत्नी हैं जो नंद गोकुल में रहती हैं, जिनका नाम है रोहिणी माता, तो देवकी के गर्भ से उनको रोहिणी जी के गर्भ में आप उनको ट्रांसफर करो, उनको स्थानांतरित करो, ऐसा आदेश देते हैं भगवान। और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपका नाम चिरस्थायी रूप से रहेगा और आपको सब आराधना करेंगे वैष्णवी के रूप में। तो फिर योगमाया देवी जी भगवान को प्रणाम करके उनका परिक्रमा लगाती हैं, और फिर उनके आदेश के मुताबिक वो नंद गोकुल में महाराज नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लेती है। और इसी वक्त 7वां जो गर्भ था देवकी का, वो तो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चला गया, तो बाकी सबको लगा कि ये गर्भपात हो गया, 7वें गर्भ गर्भपात हुआ और बच्चा नहीं रहा, ऐसा लगा। फिर 8वां गर्भ कौन है? भगवान श्री कृष्ण भगवान की। तो 8वें गर्भ भगवान श्री कृष्ण थे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले महाराज वसुदेव के मन में प्रकट हुए, कोई भी इस संसार में जन्म लेता है तो पुरुष और स्त्री के संग से उनका जन्म होता है, और जन्म लेते से बच्चा रोने लग जाता है, उनको कुछ मालूम नहीं रहता, अज्ञान में पैदा होता है। लेकिन भगवान का जन्म देखिए कितना दिव्य है, भगवान सबसे पहले आए थे वसुदेव जी के मन में, वसुदेव के मन से वसुदेव के हृदय में आए, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए। और जैसे भगवान देवकी के हृदय में प्रकट हुए, देवकी जी सूरज के समान दैदीप्यमान हो गए, यानी प्रकाशमान हो गए, और कंस समझ गया था कि मेरा अंत करने वाला आ गया। और देवकी जी ऐसे चमकने लगे, कोई भी उनके पास में जाने से भी डरता था, तो ये समझ गए कंस। पर कंस ने सोचा अभी उनको मैं वध करूं तो मेरा और भी बहुत बहुत बदनाम होगा, क्योंकि उन दिनों में असुरों को भी कुछ उसूल थे, वो लोग गर्भवती को कभी, गर्भवती जो स्त्री होती है उनको कभी नहीं मारते।
तो उनने सोचा कि ये गर्भवती है, अभी इनको नहीं मारूंगा, लेकिन जैसा बच्चा पैदा होगा उसको, जैसा पहले के साथ पहले के 6 बच्चों को मारा वैसे ही हम करेंगे। तो वो इंतजार करने लगा और जैसे उनके गर्भ में भगवान प्रकट हुए, सारे देवताएं ब्रह्मा शंकर जी इंद्र चंद्र सारे जितने भी देवताएं हैं देवकी के कक्ष में प्रकट हुए और सब भगवान से गर्भ के अंदर जो भगवान है उनको इनकी प्रार्थना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे और उनकी स्तुति करके उनसे प्रार्थना किए कि आप हमें इस संकट से बचाइए, पृथ्वी का भार सबसे ज्यादा हो गया और इतने अत्याचारी राजाएं बढ़ गए और आप हम सबको इन सब की पीड़ा से मुक्त करिए। और देवकी जी को आश्वासन देने लगे कि अब आप डरो मत, अब भगवान प्रकट हो गए, अब कुछ नहीं कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर वो देवताएं प्रकट हो गए और समय पर अष्टमी के रात पे भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए? 4 भुजों वाले नारायण के स्वरूप में शंख चक्र गदा और पद्म हाथ में धारण करते हुए सुंदर सुनहरा मुकुट और गले में कौस्तुभ मणि और पीत वस्त्र और वैजयंती माला ये सब धारण करके भगवान प्रकट हुए। अब कोई भी बच्चा से पैदा होता है 4 हाथों से या पूरे सुसज्जित रूप से नहीं, अगर भगवान का जन्म कोई साधारण होता तो भगवान ऐसे जन्म नहीं देते। तो इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हुए तो सबसे पहले वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की, फिर देवकी जी ने भी उनका स्तुति की। तो उसके बाद फिर उनको प्रार्थना किया कि आप इस स्वरूप में रहोगे तो हम कैसे आपको दूध पिलाएंगे, कैसे आपको प्रेम करेंगे, तो इसलिए आप एक शिशु के रूप ले लो। तो उनके प्रार्थना के अनुसार भगवान एक छोटे शिशु बन जाते हैं और उनको उससे पहले भगवान आदेश देते हैं, भगवान बताते हैं कि आप दोनों हमारे पुरातन भक्त हैं, कई जन्मों से आप हमारे भक्त हैं, सबसे पहले जन्म में आप पृष्णि और सुतपा के रूप में, आप सत्ययुग में पृष्णि और सुतपा अष्टवसुओं में थे, तो आपने प्रार्थना की, आपने तो बहुत कठोर तपस्या किया और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हम आपके सामने प्रकट हुए थे, तो आपने हमसे वर मांगा कि आपके जैसे हमको पुत्र चाहिए, आपके जैसे बेटा चाहिए, पर हमारे जैसे और कोई तो हो नहीं सकते, इसलिए हम स्वयं आपके पुत्र के रूप में आ गए कृष्ण गर्भ के रूप में, और अगले जन्म में आप फिर कश्यप और अदिति के रूप में प्रकट हुए, तो फिर से आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ वामन बनकर, और अब दोबारा आप देवती और वसुदेव के रूप में आए और आपके इस जन्म में भी आपके पुत्र के रूप में हम आए। तब कंस से मत डरो, आप हमें यहां से ले जाओ, ले जाकर गोकुल में नंद भवन में यशोदा माई ने पुत्री का जन्म दिया, तो वहां पर ले जाकर हमें वहां रख दो और वहां से उस पुत्री को लेकर यहां वापस आ। तो उस आदेश के अनुसार वसुदेव जी जैसे ही देखा तो वहां पर उनके हाथ खड़े सब खुल गए, गेट खुला हुआ था और सारे जो भी पहरेदार सैनिक सिपाही जो भी वहां थे सब गहरी नींद में सो रहे थे और वसुदेव जी ने एक टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लेकर वो जमुना पार करने लगे, लेकिन जमुना पार कैसे करते, घनघोर बारिश था, अनंत शेष नाग ने के ऊपर एक छतरी के रूप में उनको छाया दिया और जमुना तो बहुत फूली हुई थी, बहुत उछल यानी उनके तरंगे बहुत उछल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कैसे इसको पार करेंगे। तो फिर उन्होंने यमुना मैया को प्रार्थना किया, पहले ही भगवान ने उनको आदेश दिया था कि यमुना आपको रास्ता दे देगी, यमुना जी को जैसे प्रार्थना किया तो यमुना जी उनको रास्ता दे देगी।
और जमुना जी को जैसे पार कर रहे थे, पानी बहुत बहुत कम था, कम पानी था, उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी वहां से जा रहा था पानी के अंदर से, तो उसी रास्ते से गए गए थे। लेकिन जैसे थोड़ी देर आगे गए, उनके हाथ से, उनके टोकरी से कृष्ण भगवान नीचे पानी में गिर जाते हैं, तो बहुत व्याकुल होकर उनको ढूंढने लगते हैं, क्या कहाँ चला गया बच्चा। और कुछ देर बाद फिर वापस भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि जमुना मैया बहुत व्याकुल थी कृष्ण भगवान का स्पर्श के लिए, तो उनका स्पर्श जैसे मिला उसके लिए भगवान वहां चले गए पानी में, और फिर वापस उनको उठाकर वसुदेव जी ले जाते हैं गोकुल में। गोकुल में यशोदा मैया, उनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। कई लोग सोचते हैं सिर्फ बेटी हुई, नहीं, बल्कि आचार्य बताते हैं कि उनका एक बेटा भी हुआ था यशोदा मैया का। वो कौन था? कृष्ण ही था। कृष्ण और योगमाया दोनों का जन्म हुआ था देवकी जी, मतलब यशोदा माया। तो अब दो कृष्ण जो है, एक कृष्ण जो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में पैदा हुआ, और दूसरा कृष्ण कौन? नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में। तो जैसे ही वसुदेव जी वो उस बालक को लेके आते हैं, तो वहां रखते हैं, तो दोनों कृष्ण एक हो जाते हैं, और जो ये पुत्री थी उनको वापस लेकर लाकर मथुरा ले जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि दो कृष्ण क्यों हैं? हमारे वैष्णव आचार्य उसका व्याख्या करते हुए बताते हैं, उसका कारण यह है कि मथुरा का कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण दोनों अलग हैं। मथुरा के कृष्ण राजा हैं, भगवान हैं। मथुरा में कृष्ण भगवान है, द्वारका में भी भगवान है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण भगवान नहीं है। वृंदावन के कृष्ण सिर्फ ग्वाले हैं, इसलिए वृंदावन की कोई भी लीला में आपने देखा होगा कि भगवान कभी कोई अस्त्र नहीं उठाया, कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, वो सिर्फ ग्वाले के रूप में उन्होंने लीला किया, और उनके लीला में, उनके खेल कूद में ही असुर सब मर जाते हैं। दूध पीते पीते पुत्रा का वध किए, खेलते खेलते ही अघासुर बकासुर और केशी इत्यादि, शकटासुर इत्यादि कहीं सारे असुरों का वध किए, लेकिन कोई शस्त्र उठाकर वध नहीं किए। मतलब वृंदावन में कृष्ण हमेशा एक ग्वाले के रूप में ही रहते हैं, वहां कभी कोई उसको भगवान के रूप में नहीं पूछते हैं। मथुरा और द्वारका में कृष्ण भगवान अलग है, क्योंकि वहां सब उनको भगवान के रूप में पूछते हैं। देखे देवकी जी और वसुदेव ने जैसे कृष्ण प्रकट उनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने उनको प्रार्थना किया, भगवान के रूप में उनकी स्तुति की, लेकिन नंद और यशोदा कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम सबसे शुद्ध है और सर्वोच्च है, इसलिए कभी भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखते, वो सिर्फ अपने पुत्र के रूप में या सखा के रूप में या प्रेमिक के रूप में ही ब्रजवासी उनकी उनकी आराधना करते थे। तो इसलिए शास्त्रों के मुताबिक, भागवत के अनुसार, ब्रज वृंदावन का जो भक्ति है वो मथुरा और द्वारका की भक्ति से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा और द्वारका में वो भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन वृंदावन में सिर्फ प्रेमिक, एक प्रिय पुत्र के रूप में। आठवां पुत्र, आठवां संतान पैदा हो गया, लेकिन अब ये लड़की है। तो फिर कंस वहां से तुरंत जाते हैं, उनको हाथ में लेकर उनको मारने के लिए, बल्कि हाथ से फिसल कर वो आकाश में जाती है, और आठ हाथों से अष्टभुजा के रूप में प्रकट होती हैं, और जोर से हंसते हुए कंस को चेतावनी देते हैं, आप हमें कैसे मार सकते हो, आपको मारने वाला पैदा हो चुका है। तो इस प्रकार से देवकी और वसुदेव को कष्ट मत दो, इस प्रकार से उनको चेतावनी देकर योगमाया अदृश्य हो जाए। तो फिर कंस और अपने भक्तों का रक्षा किया। तो
इसलिए हमारा हमारे जो वैदिक शास्त्र में भगवान का अवतार का वर्णन किया जाता है। अकबर बादशाह ने एक बार बीरबल से पूछा, उनकी कथा कर सुने और कथा करें, उनकी कीर्तन करें, उनकी भक्ति करें, उसके अवसर देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं बार बार। अगर भगवान जन्म नहीं लेते तो हम कैसे आज उनके बारे में जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, हम कैसे उनके बारे में सुनते या बोलते उनकी कीर्तन करते, सब नहीं कर पाते। इसलिए हम सबको अवसर देते हैं भगवान के जन्म के माध्यम से, ताकि हम उनके बारे में सुन सके, उनकी कीर्तन कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनका स्मरण कर सके, और इस प्रकार से हमारा मनुष्य जीवन को सफल बना सके। तो इसलिए यहाँ विराम देते हैं। तो हम आग्रह करते हैं हम सबसे कि कृष्ण भक्ति के मार्ग ये हमारे सारे शास्त्रों में सारे आचार्यों द्वारा बताया गया है, बहुत पुरातन मार्ग है, कोई नई संस्था नहीं है इसको। कई सोचते हैं कोई अंग्रेजों का संस्था है, बल्कि ये शुरुआत में मैंने बताया कि ये बहुत पुरातन संप्रदाय है, उनको ही उनका ही अनुकरण कर रहा है। अमेरिका में जो फैशन है आज हम वही कपड़े पहनते हैं, और अमेरिका में जैसे वो जीते हैं, जैसे रहते हैं, जैसे करते हैं, वैसे हम उसका अनुकरण करते हैं। तो इसलिए सारा विश्व पाश्चात्य जगत को फॉलो कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरुजी ने उनको कहा कि आप कृष्ण भक्ति का प्रचार विदेश में करो, अमेरिका में करो, और उनको भक्त बनाओ, उनको कृष्ण भक्ति में लाओ, सनातन धर्म में लाओ। इस्कॉन का स्थापना होने से पहले लोगों को लगता था कि अरे ये कृष्ण और राम कृष्ण भक्ति तो सिर्फ भारत में ही हो सकता। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया कि पृथ्वी में हर गांव हर शहर में कृष्ण नाम का संकीर्तन होगा, लेकिन लोग सोचते थे कि पृथ्वी में हर गांव में कैसे हो सकता है, भारत के बाहर कोई जानते ही नहीं राम कौन है कृष्ण कौन है। हाँ भारत में जरूर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में भी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है, हर देश में। और प्रभुपाद जी ने भगवान के भविष्यवाणी को सच करने के लिए क्योंकि इस कलयुग में एक ही मार्ग है, न तपस्या न ध्यान न यज्ञ न अर्चन, कोई भी मार्ग काम नहीं करता कलयुग में। कलौ तद हरि कीर्तन, कलयुग में एक ही मार्ग है, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का संकीर्तन को छोड़कर और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है और नहीं है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, तीन बार बोल दिए कि नहीं है नहीं है नहीं है, एक ही मार्ग है हरिनाम संकीर्तन। उस मार्ग को सबको सिखाने के लिए हर गांव हर शहर में फैलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रभुपाद जी को भेजा। उनकी कृपा से आज पूरे विश्व भर में हर जगह पर आज जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, शायद कुछ हजारों जगह पर विश्व भर में जन्माष्टमी मना रहे इस्कॉन के माध्यम से। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है सागर क्षेत्र में। हरि बोल। तो सागर में हमको जमीन का भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, आगे हम उसका भूमि पूजन इत्यादि कार्यक्रम बहुत शीघ्र ही करने वाले हैं। और इस मंदिर का निर्माण में आप सबको भाग लेना है, और सागर वासियों का एक प्रकार से शाह सागर में एक लैंडमार्क बनने वाला है। भगवान श्री कृष्ण श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का भी विग्रह रहेगा, श्री राधा कृष्ण जी का रहेगा और जगन्नाथ जी का रहेगा। तो इनका सागर क्षेत्र में अगर कोई सागर जाते हैं तो बोलते हैं इस्कॉन मंदिर जरूर देख ले, वैसे एक भव्य मंदिर का हम निर्माण करने जा रहे हैं। हरि बोल। तो ये हम सबका मंदिर है, और इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, इस्कॉन मंदिर कोई ऐसा कोई साधारण और जैसे नॉर्मल टेम्पल होता है उसमें सिर्फ लोग जाते हैं दर्शन करने, शायद आरती करने जाते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन इस्कॉन में इतना ही नहीं बल्कि सुबह से शाम तक कम से कम 7 आरती होती हैं समय पर, भगवान की सेवा पूजा एकदम विधि विधान के अनुसार, और उसके जो साफ सफाई और हर चीज स्टैंडर्ड, और सुबह शाम को प्रवचन गीता भागवत का प्रवचन होते हैं, उनको भक्ति मार्ग सिखाया जाता है, बुक्स मिलते हैं, एक पूरे एक आंदोलन है, भक्ति का आंदोलन है।
और इसमें हम सबको सीखने का मौका मिलता है भक्ति कैसे करना, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना। भक्ति सिर्फ हमको लगता है भक्ति एक सेंटिमेंट है, भक्ति एक सेंटिमेंट नहीं, भक्ति एक विज्ञान है, उसको सीखना है। जैसे इंजीनियर बनना है तो आपको कॉलेज जाना है कि नहीं, घर में बैठे बैठे किताब पढ़ के इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको कॉलेज जाना होगा, सीखना होगा। उसी प्रकार से भक्ति भी एक विज्ञान है जिसको आप प्रामाणिक गुरु से सीखना पड़ता है और उसका प्रशिक्षण होता है सिस्टमैटिक तरीके से, और क्या करना क्या नहीं करना वो विधि विधान है उसके अंदर। और जो भगवान की भक्ति में सही में आगे बढ़ते हैं तो परफेक्ट जेंटलमैन बनते हैं, परफेक्ट जेंटलमैन, सारी बुराई छूट जाते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, हिप्पीज को हैप्पीज बना दे। हिप्पीज यानी अमेरिका का ऐसे युवा थे जो ड्रग्स और हर प्रकार का नशीले पदार्थ और हर प्रकार के बुरे आदत से भरे हुए थे, और आज वैसे लोग इतने अच्छे बन गए कि आज चाय कॉफी तक नहीं लेते, क्योंकि उसमें भी कैफीन होता है जो इंटॉक्सिकेट माना जाता है। जो एक समय ड्रग्स लेते थे आज चाय कॉफी भी छोड़ दें, आप सोचो कैसे संभव है। ऐसे हजारों लाखों लोग, तो भक्ति का मार्ग हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाता है कि लोहे को सोना बना लेते। तो ऐसे केंद्र बनाए प्रभुपाद जी ने, पूरे सागर वासियों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए आप सब आइए, हमारे स्थान का केंद्र है। अभी फिलहाल अपने विजय सरलोक जी का ही बिल्डिंग है, अपने वहां पर वृंदावन भवन जहां पुराना लोकप्रिय अस्पताल हुआ करता था, वहां पर हर रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोनों समय होता है, सुबह शाम। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि ऐसा नहीं कि साल में एक बार जन्माष्टमी में आप सब आए हैं, हम सबको हमको बहुत उत्साहवर्धन हो रहा है, इतनी भारी संख्या में आप सब हैं। हाँ, हमको लगा कि आज पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे आशा से ज्यादा ही संख्या में लोग पधारे हुए हैं। पर आपको सिर्फ साल में एक बार नहीं आना, हाँ, आपको हर रोज अगर नहीं आ सकते कम से कम हफ्ते में एक बार तो आ सकते हैं। हर रविवार को सत्संग होता है, रविवार को तो कम से कम हफ्ते में एक बार कौन कौन आ सकते हैं इस्कॉन मंदिर में, हाथ उठाई। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। तो संडे को जरूर आइए, कीर्तन भजन प्रवचन का आनंद लीजिए, भक्तों का संघ का आनंद लीजिए, और भक्ति मार्ग को अपनाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। और अगले रविवार से 6 हफ्ते एक विशेष कोर्स हम दे रहे हैं जिसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, हिंदी में आत्म साक्षात्कार का मार्ग। तो गीता के सार हम आपको प्रस्तुत करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, 6 हफ्ते चलेगा। उसमें गीता के सारांश आपको बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस कोर्स मुफ्त में आप सबको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें सबके लिए भोजन प्रसाद आरती सब है, तो इसलिए आप सब उसमें भाग लीजिएगा। अगले संडे से जो सुबह आ सकते हैं तो सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, दोनों समय पर। शाम को 5 बजे जो पहली बार आ रहे हैं तो शाम को 5 बजे का समय है आपके लिए। और यहाँ पर बुक्स का स्टॉल है, यहाँ यहीं पर सामने हमारे स्थान के प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, और ग्रंथ आप परचेज कर सकते हैं, छोटे बड़े सब बुक्स हैं, और ये बुक्स लगभग 200 से अधिक भाषाओं में छपे हुए हैं पूरे विश्व में। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सिंगल ले लूँ हम सर, हम तो पीछे हो जाएंगे अभी, सिंगल फोटो ले लूँ जल्दी।
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जिस जिसका नाम अभी अनाउंस होगा आरती के लिए, तो कृपया वो सामने आइए और आरती करिए। मोहन यूके सोनी जी, डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, गीतेश अग्रवाल, प्रद्युम्न गुजार पुरिया, तरुण आर्य, संजय अग्रवाल, सबके नाम अनाउंस होंगे। कृपया आरती वाले जाए मत, आरती करके जाइए। मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, यूके सोनी जी, डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, गीतेश अग्रवाल, प्रद्युम्न ब्रजपुरिया, पुनः दोहराऊंगा, यूके सोनी जी, अग्रवाल जी सामने आइए और भगवान का आरती करेंगे। इसके आगे मैं और नाम लूंगा, कृपया जो भी यहाँ पे हो वो सामने आइए। डॉक्टर अर्चना मिश्रा, के पांडे, सुकुमार जैन, डॉक्टर आनंद सिंगाई, डॉक्टर मुरारी सोनी जी, डॉक्टर Yeah.
कुमार जैन, डॉक्टर आनंद सिंघाई, डॉक्टर मुरारी सोनी, अनिता अग्रवाल, आशा अग्रवाल, सारे सामने आए और भगवान का आरती करें। पंकज शर्मा जी, उमेश सोहरे, जीपी सोनी जी, आईपी पटेल जी, श्री भाई पटेल जी, कृपया सामने आए और भगवान की आरती में भाग ले। शर्मा जी, उमेश सोहने, जेपी सोने जी, आईपी पटेल जी, सुरेश भाई पटेल जी, कृपया सामने आए भगवान की आरती में भाग ले। शर्मा जी, उमेश सोहनी जी, जीपी सोनी जी, आईपी पटेल जी, सुरेश भाई पटेल, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं पुनः दोहराऊंगा, हरे कृष्णा डॉक्टर संतोष राय, चंद्रकांत भाई पटेल, पंकज शर्मा, उमेश सोहने, जीपी सोनी जी, आईपी पटेल, सुरेश भाई पटेल, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बलदेव प्रसाद दास, बलदेव प्रसाद दास, दिलीप ठाकुर जी, दिलीप ठाकुर जी, भूपेंद्र सिंह जी, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गुट्टू महेश्वरी जी, गुट्टू महेश्वरी जी, हरे कृष्णा कृष्णा, हेमंत सहू सोनी, हेमंत सोनी जी, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठा के हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, नीता अग्रवाल जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
बलदेव प्रसाद दास, दिलीप ठाकुर, हेमंत चंद्र सोनी जी, अरुण केसरानी जी, हरिनाम सिंह ठाकुर जी, नीता अग्रवाल जी, कृपया सामने आए और भगवान का अभिषेक करें। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम, दोनों हाथ उठा के राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 भगवान प्रभु हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं एक बार आरती सेवा के नाम सुना दोहरा के जा रहा हूँ, जो कोई भी अभी आरती सेवा के लिए छूट गए हैं कृपया आरती सेवा में भाग लीजिए। यूके सोनी जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जितेश अग्रवाल, प्रद्युम्न गजपुरिया, तरुण आर्या, संजय अग्रवाल, डॉक्टर अर्जुन मिश्रा, एके पांडे, सुकुमार जैन, डॉक्टर आनंद सिंगाल, डॉक्टर मुरारी सोनी, अनिता अग्रवाल, आज पटेल, गिरीश भाई पटेल, बलदेव प्रसाद दास, दिलीप ठाकुर, भूपेंद्र सिंह, बुद्धू महेश्वरी, हेमंत प्रभु सोनी, अरुण केसरवानी जी, हरिनाम सिंह ठाकुर और नीता अग्रवाल जी, इनमें से कोई आर्थिक सेवा में भाग नहीं लिए तो आगे भाग ले सकते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, गीतेश अग्रवाल, प्रद्युम्न ब्रजपुरिया जी, तरुण आर्या, संजय अग्रवाल, अर्चना मिश्रा, ए के पांडे जी, सुकुमार जैन, पंकज शर्मा, उमेश सोहाने, जीपी सोनी, आईपी पटेल, सुरेश भाई पटेल, बलदेव प्रसाद प्रभु, दिलीप ठाकुर, भूपेंद्र सिंह, गुड्डो महेश्वरी, हेमंत प्रभात सोनी जी, अरुण किशरवानी, हरिनाम सिंह ठाकुर और नीता अग्रवाल। अगर कोई इनमें से अभी तक नहीं किए हों तो कृपया आकर कर सकते हैं। बस अब सभी के लिए महाप्रसाद पुराना लोकप्रिय अस्पताल वहां पर है, तो आप जरूर हर संडे को शाम को 5 बजे सत्संग में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। और यह अवसर प्रदान हुए हमारा वरदान होटल के अपने श्री विजय सबलोक जी और उनके परिवार को विशेष धन्यवाद देते हैं, और जो भी वॉलंटियर्स इस सेवा में भाग लिए हैं, विशेष करके डॉक्टर एनएस मौर्या जी, दीक्षा के बाद उनका नाम हो गया नंद महाराज प्रभु और सती माता जी, हमारे प्रद्युम्न प्रभु डॉक्टर श्री पी के अवस्थी जी, जिनका अभी दीक्षा के बाद प्रद्युम्न प्रभु नाम हुआ फिर, और नारायणी माता जी, दीनदयाल प्रभु और कुंती माता जी और उनके सारे परिवार, और भी बहुत सारे भक्त हैं जो अभी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो जो भी इसमें सेवा में भाग ले हैं, विशेष करके हमारे प्रवीण प्रभु, कान्हा प्रभु, अपने कैलाश प्रभु जी, और पूरे आयोजन में यहाँ पर हैं हमारे गौर कृष्ण प्रभु, और उनके अलावा और भी बहुत सारे भक्त इसमें भाग लिए हैं, उन सबको हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सारे नाम अभी हम बोल नहीं पाए, लेकिन हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरि बोल 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 ह
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा गोविंद जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की समवेत गौर भक्त वृंद की पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की हरे कृष्ण।